हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स विच ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजीव शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे आई टीच यू योर मैथमेटिक्स चैप्टर टू, प्लेइंग विद नंबर्स। दिस चैप्टर कवरेड फोर टॉपिक्स। फर्स्ट इज ब्रैकेट, सेकेंड इज बॉडमास रूल, थर्ड इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एंड फोर्थ इज डिविजिबिलिटी रूल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना पहला टॉपिक ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम प्लेइंग विद नंबर्स है। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले हम चैप्टर को जानते हैं कि वास्तव में हम चैप्टर में क्या सीखेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबरों के साथ खेलेंगे। अभी तक क्या करते थे आप लोग, बैट बॉल से खेलते थे, ठीक है ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडोस खेलते हैं, लेकिन आज हम लोग नंबरों के साथ खेलेंगे। और कैसे खेलेंगे उसको जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने नंबरों के साथ क्या क्या खेल खेला था, ठीक है। तो इस चैप्टर को पे जो टॉपिक है आपका ब्रैकेट्स, उसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है, नंबरों के साथ हम कैसे खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा, मैंने आपको कोई मान लीजिए तीन नंबर दे दिया, या मान लो चार नंबर दे दिया, ठीक है, और एक में लगाया मल्टीप्लाई का निशान, एक में लगाया माइनस का निशान, और एक में लगाया प्लस का निशान, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए दो लड़के हैं, क्या हैं, दो लड़के हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं जानता, अजय विजय कुछ भी रख लो नाम। अब एक बच्चे ने क्या किया, पहले, अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर चार नंबर है, 4, 3, 4, 2, और दो नंबरों के बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का नाइन साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन। पहले क्या होता था, पहले होता था जैसे मैंने 4 + 4 दिए थे तो बच्चे जोड़ देते थे 8, मैंने 3 × 3 दे दिया बच्चे जोड़ देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे 9, मैंने दे दिया 4 - 3 तो बच्चे सब्ट्रैक्ट करके लिख देते थे 1। लेकिन अब की क्या हो रहा है, अब की चार नंबर दिए हैं और चारों नंबर के बीच में क्या है, अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग निशान है, मल्टीप्लाई का भी है, माइनस का भी है और प्लस का भी है। अब बात यह आती है, अभी तक तो पता था कि प्लस करना तो प्लस कर देते थे, माइनस करना तो माइनस कर देते थे, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड करना था डिवाइड कर देते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो दिमाग में घंटी बजती है, यार मैं करूँ क्या, मल्टीप्लाई पहले करूँ कि माइनस पहले करूँ, प्लस पहले करूँ, तो कन्फ्यूज़न में समझ में नहीं आता कि कौन सा करें। तो कोई बच्चा मान लीजिए, अजय नाम का एक लड़का है, अजय, अजय ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 = 12, ठीक है, फिर उसने क्या किया, प्लस किया, या प्लस किया तो उसका आया कितना, 6, लास्ट में उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 6, ठीक है। अब उसी जहाँ पर एक लड़का है विजय, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पहले क्या किया, पहले उसने जोड़ दिया, क्या किया, जोड़ दिया, क्या किया बच्चों, जोड़ दिया, ठीक है, तो जोड़ा तो क्या आ गया, 4 × नहीं जोड़ा नहीं, चलो आपकी क्या किया, उसने पहले गुणा किया तो 4 × 3 = 12, उसके बाद उसने क्या किया, घटा दिया। अब इनको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इनको घटा दिया तो क्या आया,
8 प्लस 2, अब इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर उसी सवाल को सॉल्व किया तो 6 आ रहा है, और यहाँ पर उसी सवाल को सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एक बच्चा कर रहा है तो कोई आंसर आ रहा है, कोई दूसरा बच्चा कर रहा है तो दूसरा आंसर आ रहा है, तीसरा करेगा तो उसका कोई तीसरा आंसर आएगा, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले एक ही निशान होता था, एक ही सिंबल होता था, प्लस होता था प्लस कर देते थे, माइनस होता था माइनस कर देते थे। लेकिन जब एक एक से ज़्यादा निशान टाइप के निशान एक्सप्रेशन में दिए हों तब आंसर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो आंसर सबका एक जैसा आए, यहाँ पर भी 6 अगर आ रहा हो तो आए, और यहाँ पर 6 आ रहा हो तो यहाँ पर भी 6 आए। तो उसके लिए जो है क्या बनाया गया, एक रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया, उसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल रूल, रूल्स ऑफ अर्थमैटिक, ठीक है, ये रूल बनाया गया। आप कहोगे कि ये सर क्या है, ये कैसा रूल है, तो इसको बता देता हूँ। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता, और रूल्स का मतलब और नियम, अर्थमैटिक का मतलब होता है अंकगणित, यानी अंकगणित में जो प्रधानता का नियम है, ठीक है, प्रधानता का जो नियम है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम नंबरों को के साथ खेलेंगे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंस रूल्स ऑफ अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक के प्रेसिडेंस रूल के द्वारा, यानी अंकगणित में प्रधानता के नियम के द्वारा। अब कहोगे सर जी ये रूल क्यों है, प्रधानता का रूल क्या है। देखो बेटा, जब आप कई चीज़ें आपके पास होती हैं अलग अलग तरह की, तो आपको क्या करना, जैसे आप मान लो क्रिकेट प्लेयर हो, मतलब क्रिकेट खेलते हो, तो आपके पास 12 खिलाड़ी होते हैं ना, तो 12 के 12 अच्छे खेलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक ऑर्डर सेट करते हैं ना कि पहले ये बंदा जाएगा लड़ाई करने क्रिकेट खेलने, या फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर का जाएगा, ऐसा तो नहीं सब आपस में लड़ते हैं, कोई एक जिसकी जिसके पास जैसा टैलेंट होता है उसके हिसाब से उसको पहले भेजा जाता है। तो एक किसी न किसी को प्रधान बनाया जाता है, ठीक है, कैप्टन बनाया जाता है, उसके बाद दूसरा बंदा जाता है, तीसरा बंदा जाता है, इस तरह से क्रिकेट के मैच में खेलता है, खेल होता है। उसी तरह यहाँ पे अंकगणित में भी कई सिंबल हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक को पहले सॉल्व करेंगे, यानी अगर मुझे डिवाइड सॉल्व करना तो मैं डिवाइड सॉल्व करूँगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगा, फिर प्लस सॉल्व करूँगा, फिर माइनस सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो किसी न किसी को हमें क्या करना पड़ेगा, जो है प्रधान बनाना पड़ेगा। तो इन चारों में से किसी न किसी को मुझे प्रधान बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे नंबरों में हमें इसको प्रधान बनाना होता है, ठीक है, सिंबल्स में प्रधान बनाना पड़ता है, किसको पहले सॉल्व करें किसको बाद में सॉल्व करें, तभी आंसर एक जैसा आ सकता है, ठीक है। अगर हम किसी को एक को प्रधान नहीं बनाएंगे, किसी एक को प्रिंस मतलब फर्स्ट नहीं बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा इससे, इससे कोई कुछ मल्टीप्लाई सॉल्व करेगा, कोई प्लस सॉल्व करेगा, कोई माइनस सॉल्व करेगा, कोई डिवाइड सॉल्व करेगा। तो इस तरह से हम प्लेइंग विद नंबर्स में जो है अर्थमेटिक में प्रेसिडेंस रूल्स के बारे में इस जो है टॉपिक है हमारा ब्रैकेट्स, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये सिंबल का प्रेसिडेंस रूल होता है, वैसे ही ब्रैकेट का भी प्रेसिडेंस रूल होता है, लेकिन प्रेसिडेंस रूल को पढ़ने से पहले जो है हम समझ लेते हैं कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। चलिए आते हैं अब टॉपिक पे, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या है, दे आर द सिंबल्स यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, यानी ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट्स सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, यूज इन पेयर्स, जिनका इस्तेमाल पेयर्स के रूप में किया जाता है, टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, यानी चीज़ों को, थिंग्स मतलब चीज़ें, टुगेदर मैंने एक साथ, ग्रुप मैंने समूह, यानी चीज़ों को एक साथ एक समूह में रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप ब्रैकेट से क्या समझे, ब्रैकेट से हम समझे कि ब्रैकेट जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं
जिनका इस्तेमाल पेयर के रूप में होता है, जिसमें जैसे आप जूते पहनते हो ना, उसमें एक जूता के साथ दूसरा भी होता है, ये बिना एक जूते के दूसरा जूता काम नहीं आता है। चप्पल पहनते हो तो उसमें एक बिग के बिना दूसरा काम नहीं आता है, ठीक है ना। उसी तरह से ब्रैकेट्स में भी दो सिंबल्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाले को ओपनिंग पेयर, ओपनिंग ब्रैकेट, और जो उसके बाद वाला होता है उसको क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। और इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है चीज़ों के ग्रुप बनाने के लिए, एक साथ ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। अब इस ये क्या होता है, अगर ये एक है तो इसके जैसा एक दूसरा भी होता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट्स है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, और ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट्स है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। अच्छा, अब देखोगे यहाँ पे क्या है, ये दोनों दो है यानी पेयर में है, जोड़े में है। अगर ये हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है यह अधूरा लगेगा, अगर ये हटा दोगे तो यह अधूरा लगेगा। तो यानी इन दोनों का जो जो है एक पेयर है। तो या तो क्या समझे, ब्रैकेट्स। अच्छा, ये क्या है, एक सिंबल है, ये क्या है, एक सिंबल है। तो इस तरह से हमने सुना समझा कि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, जिसमें जो पहला वाला ब्रैकेट होता है वो ओपनिंग ब्रैकेट्स होता है, और जो बाद वाला ब्रैकेट्स होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से और भी बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल मैंने कहा कि ये क्या करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रुप बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 4 + 5 + 6 + 7, लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, 3 नंबरों का ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में ब्रैकेट लगा दूँगा, तब ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। इसी तरह मान लीजिए मुझे 2 नंबरों का ग्रुप बनाना होता है, तो मैं क्या करता है, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा देता है, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा देता है। तो देख रहे हो, इन नंबरों का एक ग्रुप बन गया, ये नंबरों का एक ग्रुप बन गया। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जो होता है वो ग्रुप्स बनाने के लिए, समूह बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप समझ गए ना ब्रैकेट्स का इस्तेमाल क्या है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल है क्योंकि ये सिंबल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल जोड़ों में होता है, और इनका काम चीज़ों को ग्रुप बनाने का होता है। तो ये तो बात हो गई ब्रैकेट्स की। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इस ब्रैकेट वाले टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, रीज़न टू यूज़ जो, ठीक है, इनके उपयोग का कारण, और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे हाउ टू स्पेसिफाई ब्रैकेट, कि ब्रैकेट को कैसे स्पेसिफाई किया जाए या सिंपलीफाई किया जाए, इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए, सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है, स्पेसिफाई किया जाए, सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें से मैंने आपको पहला और दूसरा टॉपिक तो अभी क्लियर कर दिया ऊपर ही, ठीक है। पहले तो बता दिया ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट सिंबल्स होते हैं, जोड़े में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा क्या टॉपिक है हमारा, रीज़न टू यूज़, यानी इस्तेमाल करने का कारण, हम ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का ग्रुप बनाने के लिए। समझ में आ गया ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पेयर में इस्तेमाल होते हैं, रीज़न क्या है यूज़ करने का, हम क्यों यूज़ करते हैं ब्रैकेट, तो चीज़ों का ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला कौन है, ये देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट्स और विनकुलम। दूसरा हमारा ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस और स्मॉल और राउंड ब्रैकेट, यानी इसको 3 नाम होते हैं इसके, एक होता है पैरेंथेसिस, दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होता है राउंड ब्रैकेट, यानी आप इन तीनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हो। तीसरा ब्रैकेट का आप सिंबल देख रहे हो, ठीक है, इस ब्रैकेट को भी 2 नाम होते हैं, ब्रेसेस या फिर आप इसे कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी बुला सकते हो। चौथा ब्रैकेट हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से 4 तरह के ब्रैकेट के बारे में हमने पढ़ा, बार ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रैकेट्स के क्या होते हैं, टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे सिंपलीफाई किया जाए। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके क्या रूल है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया स्मॉल ब्रैकेट भी दे दिया, बिग कर्ली ब्रैकेट भी दे दिया, बिग ब्रैकेट दे दिया, तो आप किसको सॉल्व करोगे पहले? बिग को सॉल्व करोगे, कर्ली को सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर या फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे? तीनों में से किसको आप सॉल्व करोगे? कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो ब्रैकेट्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ जाए, अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ जाए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइड ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ जाए तो उसके सिंप्लीफाई करने का रूल, उसके उसको सॉल्व करने का रूल। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, जैसे कि अच्छा सवाल बाद में लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो रूल हैं वो 6 रूल हैं। कितने रूल हैं? 6 रूल्स। और इन 6 रूल को एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो इन्हीं 6 रूल्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपको अगर रूल्स याद होंगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24, ठीक है, माइनस 4 प्लस 3 प्लस 7, ये लिख दिया। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। जब आप नंबरों के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान लगा देते हो तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। अब मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या हो गया, जब भी एक्सप्रेशन में आपको ब्रैकेट दिखाई दे, क्या पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है बच्चों? पहला रूल है कि जब भी आपको एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिखाई दे, देखो यहाँ पर 24 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 7, इनके बीच में ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, तो जब भी आपको एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिखाई दे तो सबसे पहला याद रखना, कुछ भी मत सॉल्व करना, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ होगी उसको सॉल्व करना। समझ में आ गया ना? जहाँ पर भी ब्रैकेट दिखे सबसे पहला काम ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, कुछ और मत सॉल्व करना। यहाँ पर 24 को सॉल्व मत करने लग जाना, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना? ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, 4 और 3 जोड़ा, कितना हो गया? 7। 7 और 7 जोड़ा, कितना हो गया? 14। ठीक है, अब 14, अब 24 माइनस 14 हो गया। और जैसे ही ये सॉल्व हुआ ब्रैकेट अपने आप ही हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। तो 24 में से 14 चला गया, कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। तो इस तरह से आप पहला रूल समझ गए, कभी भी अगर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसका पहला रूल हमेशा याद रखो कि जब भी आपको कोई मैथमेटिक्स का नंबरों का कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो, और एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सॉल्व करोगे। पक्का? चलो अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि चलो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फिर आपको रूल समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया 24, ठीक है, यह माइनस लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, और फिर इसके बाद का जो है 12 लिखा, प्लस लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, और क्या लगा दिया, 2 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको बंद कर दिया, बिग ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है,
तो आपने क्या एक्सप्रेशन देखा, 24 - 12 + 2 + 3 + 2, और आपने ब्रैकेट लगा दिए, कितने ब्रैकेट लगाए, 3 ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। कौन कौन से ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और विनकुलम यानी बार ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट का आपने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 ब्रैकेट आ रहे हैं, तो आप किसको पहले सॉल्व करोगे, करली स्मॉल को सॉल्व करोगे कि बिग को सॉल्व करोगे कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो हमेशा याद रखना कि जब आपके पास मोर देन वन ब्रैकेट्स हों, यानी आपके पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट आ गए हों एक्सप्रेशन में। अभी यहाँ क्या था, अभी यहाँ तो केवल एक ही ब्रैकेट था तो सॉल्व कर दिया था फटाफट, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ब्रैकेट है, तो किसको सॉल्व करें। तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि जब आपके पास मोर देन वन ब्रैकेट यानी एक से ज़्यादा ब्रैकेट हो, तो जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है यानी इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सबसे अंदर है, पहले बाहर की तरफ कौन है, बिग, उसके अंदर कौन है, स्मॉल, उसके अंदर कौन है, बार ब्रैकेट। तो सबसे इनर मोस्ट कौन हुआ, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, 24 माइनस, तो अभी इसको तो सॉल्व करना नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया, और 2 और प्लस ऐसे लगाते, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 और प्लस 2 कितना हो गए, 5, ठीक है। अब ये जैसे ही सॉल्व हुआ वैसे ही ब्रैकेट हट गया। अब देखो यहाँ बार ब्रैकेट हट गया, अब कौन कौन से ब्रैकेट बचे, अब बचा आपका स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, 24 माइनस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 12 प्लस। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अंदर क्योंकि सबसे इनर मोस्ट यही है, तो 2 + 5 यानी 7 लिख दिया। अब जैसे ही ये सॉल्व हुआ ये ब्रैकेट हट गया, अब क्या बचा, केवल बिग ब्रैकेट बचा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 - 12 + 7, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 12 और 7 कितना होता है, 19, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 5 कितना आएगा, 5। तो इस तरह से हमारा क्या है आंसर, 5 आया। क्या सीखा आपने, आपने दूसरे रूल में सीखा कि अगर मोर देन वन ब्रैकेट आता है तो आप सबसे इनर मोस्ट जो ब्रैकेट होगा, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा, जैसे बिग के अंदर स्मॉल, स्मॉल के अंदर बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब बिग ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा तो एक्सप्रेशन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहले रूल में क्या पढ़ा था, पहले रूल में पढ़ा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिखाई दे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, के अंदर का एक्सप्रेशन सॉल्व करो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट दिखाई दे, तो जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, फिर उससे बड़ा सॉल्व करो, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करो, उससे फिर बड़ा, सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों नियमों को अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम पढ़ते हैं अपना तीसरा नियम, क्या पढ़ते बच्चों, अपना तीसरा नियम, ठीक है। ये सेकंड रूल था, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है, इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ उसको, 7 × 8 - 5 + 3, ठीक है। अच्छा, तीसरा रूल कहता है कि अगर किसी ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, क्या, अगर ब्रैकेट के पहले क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्या करते हैं, उस नंबर को जिसके साथ मल्टीप्लाई का निशान है उसका अंदर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंदर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 7 का मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 7 × 8 जा कितना होता है, 56। उसके बाद फिर मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया -5 से, तो कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया किससे, +3 से, तो कितना आ गया, 21।
अब मैंने क्या किया, प्लस प्लस को सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? प्लस प्लस को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे प्लस मान लेते हैं, चलो क्या कर लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। तो 7 का गुणा 8 से किया 56, 7 का गुणा प्लस 5 से किया 35, 7 का गुणा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हट गए सॉल्व होने के बाद, ठीक है, क्योंकि हमने यानी 7 का मल्टीप्लाई 8, 5 और 3 से कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट अब सॉल्व हो गया, हट गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को जोड़ लूँगा। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 और 1 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी किया, 5 3 8 8 2 10 और 1 11, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। 6 5 11 1 12 का 1 कैरी हो गया, 5 3 8 8 2 10 1 11, ये तो 112 आ गया। तो समझ में आया, क्या समझ में आया, कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में जो है ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के आगे जो है मल्टीप्लाई का निशान हो, तो आगे जो नंबर होता है मल्टीप्लाई का, उसका अंदर वाले एक्सप्रेशन, ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, आप इसको जो है ऊपर वाले रूल से भी कर सकते हो, यानी पहले रूल से भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसी सवाल को हम फर्स्ट रूल से भी कर सकते हैं, 8 + 5 + 3। अब हमने यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 8, 5 और 3 से नहीं किया, हमने 7 इंटू ऐसे लिख दिया, और जैसा कि पहला रूल में बताया गया था कि अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो 8, 5 कितना हुआ 13, और 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 16 7 जो कितना होता है 112। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी सवाल को अगर ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है तो इसी सवाल को हम लोग फर्स्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक नया रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई का निशान है तो हम उस नंबर का अंदर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट हट जाता है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने चौथे रूल पर। अच्छा, चौथा रूल क्या कहता है हमारा, चौथा रूल कहता है कि मान लो 5 या ऐसे लिख देते हैं 7 ब्रैकेट 8 + 5 + 3। तो आप कहोगे सर जी आपने तो बिल्कुल ऊपर ही वाला सवाल लिख दिया और मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया। तो बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, मैंने क्या किया आपकी बार ब्रैकेट का निशान नहीं लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे कोई नंबर लिखा हो, ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हो, नंबर लिखा हो, और नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान ना हो, तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है। याद रखना, अगर किसी ब्रैकेट के आगे कोई नंबर लिखा है और उन नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के भी निशान नहीं है, तो हमेशा उनके बीच मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, बताइए। तो आप बिल्कुल जैसे ऊपर वाले दोनों सवाल किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 7 का इंटू 8 से किया 56, 7 का प्लस 5 से किया 35, और 3 से किया तो 21। अब इनको जोड़ लिया तो 112। इसी तरह से इस तरह से भी आप कर सकते हो, 7 8 + 5 + 3। अब क्या कर सकते हो, 7 यहाँ पे हम इंटू लगा लो और इसको सॉल्व कर लो, 8 + 5 + 3 यानी 16, और सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा 112। तो इस तरह से जो है हमारा जो है चौथा रूल जो है पूरा होता है, यानी तीसरा और चौथा बिल्कुल एक जैसा है, बस तीसरे में क्या है वो मल्टीप्लाई का निशान लगा रहता था ब्रैकेट के आगे, और चौथे रूल में मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा रहता था, बस यही फर्क है। आइए हम चलते हैं अपने रूल नंबर 5 पे, ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा,
रूल नंबर 5 कहता है कि एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 + 3 + 2 + 2, ठीक है। तो पांचवा रूल कहता है कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का निशान लगाओ, क्या लगाओ, प्लस का निशान लगाओ, क्या लगाओ बेटा, प्लस का निशान लगा होता है। तो कहते हैं कि अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का निशान लगा है तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हो और जैसे अंदर लिखा है बिल्कुल वहाँ बाहर को वैसे उतार सकते हो। तो जैसे मैंने 2 + अभी ब्रैकेट हटा दिया तो बिल्कुल अंदर की चीज बाहर उतार के लिख देंगे। आप सबको जोड़ लो तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 + 2 कितना, 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। अब इसी तरह हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 6, ठीक है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि रूल नंबर 6 कहता है हमारा कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे क्या हो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 49 लिख दिया और यहाँ माइनस लगा दिया और अंदर क्या लिख दिया, 3 - 4 - 3 लिख दिया, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो छठा रूल कहता है कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस है, अगर ब्रैकेट के आगे प्लस था तो अंदर के निशान में कोई चेंज नहीं होते तो ब्रैकेट हट जाता था, लेकिन जब ब्रैकेट के आगे प्लस ना हो करके क्या हो जाए, माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाता है तो अंदर वाले जो नंबर होते हैं उनके सिंबल बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंदर वाले के सिंबल बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, 49 अब यहाँ पे हमने लगाया माइनस, अब ये 3 किस में है, प्लस में, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -3 हो गया। अब ये -4 है तो ये किस में हो जाएगा, +4 में, ये -3 है किस में हो जाएगा, +3 में, और क्या हुआ, ब्रैकेट हट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम प्लस वाले सारे प्लस को पहले जोड़ लेंगे, 49 + 3 + 4 + 3 इनको जोड़ लो, ठीक है, और लास्ट में क्या है, -3, यहाँ -3 है, ठीक है। तो 49 + 3 + 4 यानी ये प्लस प्लस है और ये प्लस है, तीन तीनों को एक साथ रख लिया और -3 लास्ट में लिख दिया, तीन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 52, 54 यानी 56, ठीक है, -3। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 53, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब एक्सप्रेशन में ब्रैकेट हो तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, जब भी ब्रैकेट में क्या हो, जब भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट हो तो कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो बातें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, हम लोगों ने चैप्टर 2 का प्लेइंग विद नंबर्स में पहला टॉपिक ब्रैकेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जो जोड़े में होते हैं, इनका काम होता है चीज़ों को ग्रुप बनाना, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में हमें 3 टॉपिक पढ़ने थे, ब्रैकेट इनका यूज़ करने का कारण और उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए, वो पढ़ना था। ब्रैकेट क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, उनके और भी नाम होते हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स फॉर सिंप्लीफाई ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। अगर कोई नंबरों का
एक समूह मतलब एक सीक्वेंस दिया हो, एक एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें अगर ब्रैकेट आ जाए तो कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले रूल में पढ़ा था कि अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरे रूल में पढ़ा था अगर एक्सप्रेशन में मोर देन वन ब्रैकेट हो, एक से ज़्यादा ब्रैकेट हो, तो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तीसरे रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई का निशान हो तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले रूल से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो मल्टीप्लाई का निशान जिस नंबर के साथ है उसका अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथे रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई का निशान नहीं है तो नंबर और कोई नंबर लिखा है तो नंबर और ब्रैकेट के बीच में क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई का निशान मान लेते हैं, तो उसे पहले रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई मान के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। पांचवे रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का निशान है तो आप ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज़ उतार करके ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। और लास्ट रूल यानी जो हमारा छठा रूल था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान है तो आप क्या करते हैं, अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होता है उसके सिंबल बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस थ्री था तो माइनस, यहाँ पे प्लस थ्री तो यहाँ माइनस थ्री कर दिया, माइनस फोर था तो प्लस फोर कर दिया, माइनस थ्री था तो प्लस थ्री कर दिया। फिर क्या किया हमने, ब्रैकेट को हटा दिया। उसके बाद हमने जितने नंबर प्लस के थे जैसे 49, 4 और 3 इनको हमने यहाँ पर जोड़ लिया, एक साथ लिख के जोड़ लिया, और लास्ट में माइनस थ्री बचा तो माइनस थ्री इधर लिख दिया। नंबर को जोड़ा प्लस वाले सारे तो 56 आया, उसमें से 3 माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 53। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का पहला टॉपिक जो है ब्रैकेट्स प्लेइंग विद नंबर्स में आज फिनिश होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये टॉपिक आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो आपके जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर दूंगा ब्रैकेट से रिलेटेड। आज मैं आपको जो अभी है होमवर्क दूंगा, अब आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए उन ब्रैकेट को उन सवालों को इन्हीं रूल्स की मदद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।